कोई किसी को इल्जाम ठहरा रहा है, कोई किसी को इल्जाम दे रहा है, सब जिम्मेदार हो इस हार के लिए। मैं ये बात कर रहा हूँ। रामनवमी की शुभकामना जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को असदुद्दीन वैसी दें, और रमजान की मुबारकबाद आचार्य प्रमोद कृष्णम दें, दोनों मिल जाएं, फिर देखिए आप तूफान उठ जाएगा हिंदुस्तान में। मैं फिर कह रहा हूँ दावे के साथ, आचार और वैसी अगर ये साथ आ जाए देश का नक्शा बदल जाएगा। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। मैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को दावत देता हूं यहां से कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप आइए असदुद्दीन वैसी के साथ, आप खड़े होइए। एक तरफ उलमा की टीम हो, एक तरफ आचार्यों की टीम हो, दोनों मिल जाइए और फिर देखिए देश का नक्शा बदल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये आपसे मैं अपील करता हूं, ये आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ खड़े हो जाइए और असदुद्दीन वैसी खड़े हो जाएं। आचार्य प्रमोद कृष्णम और असदुद्दीन वैसी अगर एक साथ खड़े हो जाएं देश का नक्शा बदल जाएगा। मुझे लग रहा है देश का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन साथ आना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, लोगों को बचाना और बताना होगा। अभी मैंने एक क्रिकेट मैच देखा, क्रिकेट मैच में बड़ा अच्छा सीन था। एक तरफ ब्राह्मणों की टीम थी, संतों की टीम थी, साधुओं की टीम थी, और दूसरी तरफ मौलानाओं की टीम थी। दोनों मैच खेल रहे थे, दोनों में प्यार नजर आ रहा था, दोनों में एकता नजर आ रही थी, दोनों मैच खेल रहे थे, क्रिकेट मैच, और यही ज्यादा दूर नहीं, इसी खेलगांव में मैच हो रहा था, इसी खेलगांव में मैच हो रहा था। वैसे आ जाइए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बात कीजिए आप। मैं असदुद्दीन वैसी से भी कहता हूं कि आप भी आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात कीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। नया दौर शुरू कीजिए, नई सियासत का आगाज कीजिए। असदुद्दीन वैसी साहब, आप और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार और वैसी अगर ये साथ आ जाए देश का नक्शा बदल जाएगा। मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से बात ही कह रहा हूं, जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। और उस वक्त मुमताज आलम रिजवी भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप साथ आइए, मिलिए, दोनों हाथ मिलाइए, आइए देश को बचाइए। सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अकेले अकेले भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आज जब सब एक साथ होने का वक्त है, आज जब मजलूमों की आवाज उठाने का वक्त है, आज जब देश को अंधेरे से निकालने का वक्त है, आज जब डूबते मुल्क को बचाने का वक्त है, सब मिलकर के बचाने का वक्त है। एक दूसरे पर हमला कर रहे हो, कोई किसी को इल्जाम ठहरा रहा है, कोई किसी को इल्जाम दे रहा है, सब जिम्मेदार हो इस हार के लिए। मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप एकजुट नहीं हुए, आप सामने वाले की ताकत नहीं समझ सके। आप इतने बड़े लीडर हो लेकिन आप भाजपा की ताकत नहीं समझ सके, आप भाजपा की चाल को नहीं समझ सके, आप मोदी और अमित शाह की चाल को नहीं समझ सके, फिर क्या सियासत आप कर रहे हो? आप कभी कोई मायावती को कह रहा है, कभी कोई अखिलेश को कह रहा है, अखिलेश राहुल गांधी को कह रहे हैं, कहीं कुछ। मैं तो अब इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, इनको हक नहीं है कि ये सियासत करें, कोई हक नहीं है। अगर किसी को डर सता रहा हो, डर के सियासत नहीं हो सकती, याद रखिएगा, डर के सियासत नहीं हो सकती। सियासत तो उनका काम है जो जेल जाने का हौसला रखें, उनका काम है सियासत जो जेल जाने का हौसला रखे। और अखिलेश यादव जी इतना डरते हैं, मैं रांची की जेल में गया लालू प्रसाद यादव से मिलने, मेरे साथ उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट थे मोहम्मद अदीब साहब, मैं उनके साथ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू घबराए नहीं, लालू ने कहा ठीक है, मैं जिनको पूछता हूं भगवान श्री कृष्ण, वो भी जेल में पैदा हुए, इसलिए मुझे कोई जेल से डर नहीं है। जो जेल से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, उनको कोई हक नहीं है जो सियासत करें। सियासत डर का नाम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूं, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर असदुद्दीन वैसी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं दोनों से अपील करता हूं कि दोनों लोग आप साथ आ जाइए, दोनों लोग मिल जाइए एक दूसरे से, और मिलकर के मुल्क की सियासत को बदल दीजिए।
सियासत को बदल दीजिए। मुल्क इस इंतजार में है कि कैसे ये जो नफरत है वो खत्म हो, कैसे सही दिशा मिले देश को। और आप दोनों खड़े हो जाइए, आपके साथ अगर अखिलेश आना चाहे उनको लीजिए, आपके साथ अगर मायावती आना चाहे आप उनको लीजिए, आपके साथ अगर कांग्रेस आए तो उन्हें ले आप ले लीजिए, लेकिन आप दोनों साथ में आइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपकी तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मत परसेप्शन में जाइए, मत आप बहकावे में जाइए। आपने लखनऊ से आप जब चुनाव लड़े तो आपसे आपको 2 से 2.5 लाख वोट मिले, कहां से वो 2-2.5 लाख मिले? आपके साथ पूरा ब्राह्मण लाभी खड़ी हो गई थी। आज कांग्रेस के साथ, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के लोग सुन रहे हैं तो समझ लें इस बात को कि कांग्रेस के साथ उतने ब्राह्मण नहीं है जितना सिर्फ और सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ ब्राह्मण तबका खड़ा है, साधु खड़ा है। आज साधु संतों को भी साथ लाने की जरूरत है, आज उलमा को साथ में लाने की जरूरत है, खुलकर साथ में लाने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप साथ आइए, साथ आइए ओवैसी जी के, और ओवैसी जी आप भी उलमाए कराम तमाम लोगों में जाइए, जाइए और कयादत खड़ी कीजिए, तभी ये देश बचेगा, वरना देश बचने वाला नहीं है। देश खंडित हो जाएगा, देश टूट जाएगा, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, देश टूट जाएगा। आप देखिए कैसी नफरत फैलाई जा रही है, कैसी नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, और एक तरफ हमारा देश श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा, जो श्रीलंका में हालत हो गई है देख लीजिए आप, क्या हालत वहां हो गई है, खाना जंगी शुरू हो गई है, भुखमरी, हमारे देश का भी वही हाल होने जा रहा है। हमारे देश में भी महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, नींबू 300 रुपए किलो, आप सोच सकते हैं कि नींबू 300 रुपए किलो बिकेगा? आज पेट्रोल की कीमत 115 से 120 रुपए लीटर हो गई, क्या आप ये सोच सकते हैं कि पेट्रोल कीमत 115 से 120 रुपए हो जाएगी? डीजल की कीमत आप सोच सकते हैं इतनी आसमान? सीएनजी कितनी तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है, अभी ऑटो रिक्शा वालों ने ऐलान किया है, टैक्सी वालों ने, कि हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। सब मिलकर के आइए, मैं कह रहा हूं, जैसे किसानों के मामले में आप बताइए, किसान जब मजबूती से खड़ा हो गया, किसान जब मजबूती से खड़ा हो गया तो सरकार को घुटने टेकने पड़े, पड़े थे कि नहीं पड़े थे बताइए आप? मुसलमान जिसको आप ये कहते हो कि कोई लीडर नहीं, कोई कायद नहीं, जब सीए का मामला आया, जब सीए का मामला आया तो वही मुसलमान खड़ा हो गया मैदान में, आप बताइए खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? मैंने ये किताब लिखी है, मैंने ये किताब लिखी, आप इस किताब को पढ़िए, ले जाइए ये किताब मुझसे, अब पढ़िए और देखिए कि आंदोलन कैसे चला ये सीए का, जानिए ये तारीख मैंने रकम की है, ये किताब आप पढ़िए, मैंने तारीख रकम की है, उनसे तो सबक सीख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप दोनों साथ आ जाइए, साथ आ जाइए, खुदा के लिए, सियासत हो ना हो, सरकार बने ना बने, लेकिन देश बच जाना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश में शांति बहाल होनी चाहिए, देश में अमन कायम होना चाहिए। आज रामनवमी का मौका है, रमजान भी है, बहुत अच्छा मौका है, आइए दोनों गले मिल जाइए। रामनवमी की शुभकामना जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को असदुद्दीन ओवैसी दें, और रमजान की मुबारकबाद आचार्य प्रमोद कृष्णम दें, दोनों मिल जाएं, फिर देखिए आप तूफान उठ जाएगा हिंदुस्तान में। मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, आए ओवैसी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अगर आपको भी ये लगता है कि आप ओवैसी से मिलेंगे तो आपके साथ ब्राह्मण चला जाएगा, आपके साथ हिंदू और आपके साथ संत अलग हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके साथ भी लोग नहीं है,